हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरसी दुबे नौजवान दर्पण न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार शहर ग्वालियर में पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा सड़क पर फुटपाथी बाजार, हाट ठेला बाजार इस तरह सजा रहता है कि आम जनता का पैदल निकलना भी परेशानी पैदा करता है, मगर नगर निगम विभाग पुलिस विभाग मात्र अपनी अवैध वसूली के चलते लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उदाहरण के लिए रस्ता क्षेत्र का हृदय स्थल महाराजवाड़ा, जहाँ से करीब 1 लाख की अवैध वसूली प्रतिदिन की जाती है। मुरार सदर बाजार से 80,000 के करीब अवैध वसूली, उपनगर ग्वालियर अजीरा से 70,000 के करीब अवैध वसूली, उपनगर ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत तानसेन नगर, रूप रोड, गुलागेट, घास मंडी से करीब 50,000 के अवैध वसूली, कोटेश्वर रोड, सप्रताप आश्रम, मानसिक चिकित्सालय रोड, रामदास घाटी, घोड़ापुर, कोटेश्वर आदि क्षेत्र के अंतर्गत से करीब 50,000 की अवैध वसूली। दस्कर क्षेत्र में एवी रोड से लक्ष्मीगंज, सब्जी मंडी से 50,000 की अवैध वसूली, लक्ष्मीगंज रोड, अमानी पुल से हनुमान चौराहा, दीवाजीगंज रोड, नई सड़क, दस्तखत ताजिया, पाटंगा बाजार, राम मंदिर चौराहा, पालका बाजार, छप्परवारा पुल आदि से करीब 50,000 की अवैध वसूली, सिंधे की चांदनी चौराहा से रामदास घाटी पहुँचवार करीब 10,000 की अवैध वसूली, लश्कर क्षेत्र में इंद्रगंज, जयंद्रगंज, घोड़ा चौरा, अशोकेश्वर रोड, ऊँट पुल से पाटंगा बाजार, सूरजगंज, सराफा बाजार, जयगंज आदि से करीब 10 से 15,000 की अवैध वसूली, रॉक्सी टाकिज रोड, कंपू, नया बाजार, माधोगंज, मामाका बाजार, टीआरजी कॉलेज, हेमू कॉलोनी, चावड़ी बाजार आदि क्षेत्र से करीब 50,000 की अवैध वसूली प्रतिदिन की जाती है। मगर ठेका वैसे है कि जहां पुलिस विभाग का कहना है कि ठेला एवं फुटपाथियों को खाली कराने का जिम्मा नगर पालिका निगम का है, फिर पुलिस ठेले वालों पर चालानी कार्रवाई क्यों करती है? वहीं इन फुटपाथियों एवं हाट ठेला वालों से अवैध वसूली करके उन्हें सड़कों पर अतिक्रमण क्यों कराती है? मिली जानकारी में पता चला है कि इन अतिक्रमकारी फुटपाथी दुकानदारों, हाट ठेला वालों का ग्वालियर की सभी सड़कों पर कब्जा हो गया है और आम आदमी को सड़क पर फुटपाथ पर पैदल चलने नहीं देते हैं और आए दिन शहर में जाम लगा रहता है और इस जाम को खुलवाने में ये पुलिस विभाग के कर्मचारी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और ना ही नगर पालिका निगम का उड़न दस्ता दिखाता है। एक का विषय है कि इन दोनों विभाग की मिली भगत का नतीजा है कि शहर ग्वालियर की सड़कों पर गत कई वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है। कई कलेक्टर, SP, कमिश्नर आए और बिना कार्रवाई के ग्वालियर की जनता को मुसीबत में डालते हुए चले गए। नेता अभिनेता मात्र फिल्मी स्टाइल में अभिनय दिखाते दिखाते आज मालामाल हो गए, मगर शहर की बोली वाली जनता मात्र इनके आश्वासन और अभिनय को देखती रह गई। ग्वालियर शहर की सड़कें मानो इन दोनों युवाओं के लिए काम धेनु गाय साबित हो रही है, जो हर दिन करीब करोड़ों रुपए अवैध वसूली करके दे रही है और सरकार में बैठे ये राजनीतिक मठाधीश केवल नाटकबाजी और बेईमानी कर करके चुनाव जीत कर चले जाते हैं, रह जाती है तो बेचारी आम जनता। अंक में छपा था, इसके अनुसार एक स्थानीय समाचार पत्र ने लिखा था, चाहे महाराजवाड़ा हो, मुरार का सदर बाजार हो या उपनगर ग्वालियर का अजीरा क्षेत्र, जहाँ सुबह से देर रात तक सड़कों पर फुटपाथ पर अपना सामान फैलाकर बेचने वाले ठेले रहते हैं, जिससे जहाँ एक ओर यातायात जाम हो रहा है वहीं दूसरी ओर उनके सामने वहीं स्थायी दुकानों की ग्राहकी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। फुटपाथ पर बाजार न सजे, यातायात जाम ना हो, इसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट में
नगर निगम के जेडो और संबंधित थाने के टीआई की को फिक्स की हुई है। इसके बाद ही इनको हटाने का ना तो नगर निगम पहल कर रहा और ना ही संबंधित थाना। जब इनके न हटने के पीछे का कारण भी ढूंढने का प्रयास किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ऐसे फुटपाथी दुकानदारों से हर रोज शहर से करोड़ों रुपए से अधिक की अवैध वसूली हो रही है। ये पैसा किसकी जेब में और कहाँ कहाँ बढ़ रहा है ये कोई बताने वाला नहीं है। पत्रकार टीम ने जब महाराजवाड़ा अवीरा और सदर बाजार मुरार में वस्तु स्थिति जानने का प्रयास किया तो महाराजवाड़ा का स्वास्थ्य मार्केट और नजरबाग मार्केट की पूरी सड़क और गिरली फुटपाथी कारोबारियों की गश्त में दिखी। इससे परेशान होते राहगीर ये कहते सुने गए कि कहाँ गए नगर निगम और पुलिस वाले, कहाँ से निकले हम लोग। महाराजवाड़ा 50,000, निगम के पास 50,000 जाता है, पुलिस के पास फिर कार्रवाई कौन करेगा। महाराजवाड़े के चारों ओर चहल पहल है। नजरबा मार्केट में प्रवेश करने वाली सड़क के चारों ओर फुटपाथ पर अलग अलग सामान बेचने वाले बैठे हैं। इसी बीच जरा सी जगह खाली देखते ही एक महिला अपने बच्चे के साथ घरेलू सामान बेचने के लिए पोटली खोलती है। जैसे ही बगल में स्कूटर पर कपड़े रखकर बेचने वाला गुस्सा होता है और बोलता है, यह मत बैठ, हमारा धंधा नहीं चल पाएगा। उसको वहाँ से भगाने के बाद उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया। उसका कहना था कि हम 50,000 से 60,000 रुपया प्रतिदिन पुलिस और नगर निगम वालों को खिलाते हैं, हम क्यों बैठने दें। उसका कहना था कि हमसे कह दिया है कि मदाखलत की गाड़ी आए तो अपना सामान जरूर समेट लेना। उससे पूछा कि ऐसा कौन किस देता है, उसने नाम नहीं बताया। एक बेल्ट बेचने वाले एक फुटपाथी से बातचीत की तो उसका दर्द बाहर आ गया। उसका आरोप था कि पुलिस को 100 रुपये, नगर निगम को 150 रुपये और बाजार वसूली ठेकेदार के करंदों की 10 से 20 रुपये प्रतिदिन ले जाते हैं। उसका कहना है कि यहाँ 3-4 दबंग टाइप के लोग हैं जिनकी सेटिंग कोतवाली और नगर निगम में और इकट्ठा करके नगर निगम और पुलिस तक पहुँचाते हैं। कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये की अवैध वसूली उसने स्वीकारी। पत्रकार ने और बैठे फुटपाथियों को गिना तो वे 344 निकले। उसके बाद आसपास के दूसरे बाजारों में देखा तो इनकी संख्या 500 से अधिक निकली। यहाँ कपड़े की दुकान चलाने वाले ने बताया कि संख्या में आ रहे हैं, अब तो दीपावली नहीं है ऐसा ही रहेगा। नगर निगम और पुलिस वालों से यहाँ के कई दुकानदार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई नहीं हटाता क्योंकि इनको पैसा जो मिलता है।